हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो हम पढ़ रहे हैं टाइपोलॉजिकल स्कूल 7 नंबर का। हमने अभी तक 6 स्कूल्स अच्छी तरह पढ़ लिए हैं और जो 7 वाला स्कूल है फ्रेंड्स, हमारा 7वें नंबर का स्कूल है टाइपोलॉजिकल स्कूल। यह है प्रारूपवादी संप्रदाय। तो फ्रेंड्स, इस स्कूल में क्या है? 1875, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 1875 इसकी क्या है, उत्पत्ति की दिनांक है। मतलब इस समय इसकी उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है, कोई कन्फर्म नहीं है परंतु लगभग सही है, कन्फर्म ही एक प्रकार से। परंतु फ्रेंड्स, इसमें क्या है, आपके इसको स्कूल के नाम से ही समझ में आ रहा होगा। क्या बोल रहा है स्कूल? टाइपोलॉजिकल स्कूल, यानी कि प्रारूपवादी संप्रदाय। प्रारूप क्या होता है फ्रेंड्स? फॉर्म। जैसे कि हमने समन पढ़ा, फॉर्म ऑफ समन, फॉर्म ऑफ वारंट, तो वारंट के फॉर्म यानी कि उसका एक प्रारूप है। तो इसी के प्रकार इसका मत कहना है, इस स्कूल का जो संप्रदाय है इसका कहना है कि अपराधियों का भी एक प्रारूप होता है। जिस प्रकार से समन का प्रारूप होता है, वारंट का प्रारूप होता है, डिक्री का प्रारूप होता है, उसी प्रकार से अपराधियों का भी प्रारूप होता है। यानी कि जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति जैसे कि आप और मैं, हम लोग देख रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आपको कि अलग प्रकार का एक प्रारूप होता है अपराधियों का, ठीक है। तो उसमें अंतर क्या होता है, जैसे कि हम और आप देख रहे हैं, तो हम और आप क्या है, नॉर्मल व्यक्ति के, और एक अलग प्रकार का एक प्रारूप होता है, एक ढांचा होता है, शारीरिक ढांचा, शरीर की आकृति होती है, उसी प्रकार के व्यक्ति अपराध करते हैं। तो इसने प्रारूप में बांट दिया इसको। इस स्कूल की अलग ही धारणा थी फ्रेंड्स। इस स्कूल में कहा गया कि उसमें एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व सामने आता है, वो जन्मजात भी होता है, मतलब उसके अंदर जो वंशानुगत, मतलब उसके माता पिता भी अपराधी थे और वो भी अपराधी ही होगा, ये इस स्कूल का कहना था। और परंतु फ्रेंड्स क्या है, इसकी बहुत सारी इसकी आलोचना भी हुई फ्रेंड्स, परंतु कुछ बात इसकी सत्य भी थी। बहुत सी बातें इसकी ऐसी हैं, अगर हम इसको पढ़ेंगे ध्यान से कि किस तरह की आकृति होती है, किस तरह की भौएं होती हैं, क्योंकि जिस अपराध शास्त्री ने इसके बारे में बताया, बोल्ड, जैसे कि बोल्ड का नाम लिखा हुआ है, बोल्ड ने, लॉम्ब्रोसन है, और भी कई अपराधी हैं, उन्होंने क्या फ्रेंड्स सर्वे किया, बाकायदा उन्होंने 500,000 लोगों की खोपड़ियों पर सर्वे किया, लोगों से मिले, बाकायदा वो जेल गए, सेल्स के अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने चेक किया कि वास्तव में अपराधियों में क्या है। तो वहाँ से उन्होंने एक सर्वे निकाला, एक फोरकास्ट किया, एक स्पेकुलेशन निकाला, एक अनुमान लगाया फ्रेंड्स, जबरदस्त वाला। और उस अनुमान में उन्होंने बताया कि इस तरह की उनकी आकृति होती है, इस तरह की उनकी नाक होती है, इस तरह की उनकी भौएं होती हैं, इस तरह उनके बाल होते हैं, इस तरह की छोटी छोटी वो दाढ़ी, मतलब एक अलग प्रकार का एक प्रारूप बताया। तो ये है एक प्रारूपवादी संप्रदाय। मैंने इसकी रूपरेखा आपको पूरी तरह समझा दी है, और मैं थोड़ा इसके अंदर जो मैंने लिख रखा है उसको भी तो मैं बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, मैं ऐसे आपको बता दिया वही सब कुछ जिसके अंदर लिखा है, एक बार सुन लेते हैं। इस संप्रदाय की धारणा थी कि सामान्य मनुष्य की तुलना में अपराधी का व्यक्तित्व अलग ही प्रकार का होता है। अब हम फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो, आप देखिए, हम सामान्य पुरुष हैं। परंतु समस्या क्या है फ्रेंड्स, हम समझेंगे कैसे कि कौन सा सामान्य है, कौन सा असामान्य है? और वह हमें यह सिखाएगा, जो हमें सीखना है वो हमें यह सिखाएगा। हो सकता है मैं असामान्य हूँ, आप भी हो। और कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि सर्वे में भी मिस्टेक हो जाती है, कि हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि वास्तव में कि इस तरह की भौएं वाला इंसान धोखे से भी उसकी भौएं ऐसी हो सकती हैं कि वही अपराधी होगा। तो इसलिए इसकी आलोचना भी होगी, टेंशन मत लीजिए। परंतु इसकी जो बातें कुछ हद तक सत्य भी हैं, लगभग 50% बात इसकी सच है, ठीक है। तो इस प्रकार शारीरिक विशेषताओं में अपराधी अनअपराधी, जैसे कि हम लोग, अनअपराधी व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होता है और उन्हें पहचाना जा सकता है। इसके अनुसार अगर हम इसकी बातों को माने और इसने जो प्रारूप बताया है, उस प्रारूप में जो लोग आते हैं तो वो सारे अपराधी हैं, और जो लोग नहीं आते वो क्या है, अनअपराधी हैं, मतलब वो अपराधी नहीं है। अगर इसके अनुसार चलेंगे हम तो हम सारे अपराधियों को पकड़ लेंगे, परंतु यह भी सत्य नहीं है। इसकी आलोचना हुई और वास्तव में यह इलॉजिकल है फ्रेंड्स, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर ऐसा होने लगता तो फिर सब कुछ हो ही जाता, हम इसी को फॉलो कर रहे होते, फिर क्यों इतने ज़्यादा पुलिस स्टेशन बनाते हैं, हम क्यों इतने ज़्यादा रूल बनाते, आर्मी वालों को रखते, हम पुलिस वालों को रखते, क्यों रखते हैं, हम इतनी सिक्योरिटी क्यों बढ़ाते? हमें नहीं पता किस तरह का, किस टाइप का व्यक्ति अपराध करेगा, बिल्कुल उसमें कुछ भी, परंतु इसकी कुछ बातें सत्य होती हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं आज। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो लगभग 50% हमको समझ में आ जाएगा। अगर हम पूरी क्रिमिनोलॉजी को पढ़ लेंगे तो लगभग हम 70 से 80% एक क्रिमिनोलॉजिस्ट 70 से 80% व्यक्ति को देखकर बता सकता है कि इसका स्वभाव कैसा है, ये किस तरह के प्रवृत्ति के कार्य करता है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, और ये आगे क्या करने वाला है, और ये कौन सा अपराध कर सकता है, और इसने अपराध किए हैं कि नहीं किए हैं, वह सब कुछ बता सकता है। कौन? एक अपराध शास्त्री, ठीक है।
तो उन्हें पहचाना जा सकता है, इसके अनुसार उन्हें पहचाना जा सकता है। अपराधी के शरीर की यह विशेषताएं वंशानुगत होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, इसने बोला कि जेनेटिक्स होती हैं, मतलब माता पिता से उसके बच्चों में आती हैं, वंशानुगत होती हैं, और यही शारीरिक विशेषताएँ उसे अपराध करने के लिए प्रेरित करती हैं, और यही शारीरिक विशेषताएँ उसको अपराध करने के लिए प्रेरित करती हैं। मतलब उसने यह बोला कि शरीर में भी एक विशेषताएँ होती हैं, किसी का शरीर कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई ऊँचा है, मतलब स्पेशल प्रकार के शरीर होते हैं, तो वो उसको क्या अपराध करने के लिए क्या करती हैं फ्रेंड्स, प्रेरित करती हैं, उकसाती हैं कि अपराध कर, ये इसका कहना है। अब ये कहाँ तक सच है हम देखते हैं, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए, आप खुली आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन करिए फ्रेंड्स, ठीक है। बोल्ड एक अपराध शास्त्री, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि इस सिद्धांत के बारे में लिखा है कि इन सभी अपराधी प्रकार के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में एक सामान्य विचार है, क्या विचार है, प्राणी शास्त्रीय विभिन्नता। इन्होंने क्या हो गया, प्राणी प्राणी यानी कि हम में क्या विभिन्नताएं बताई कि इस तरह का इंसान एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, एक शांत पुरुष होता है, एक शांत व्यक्ति होता है, तो इन्होंने क्या काफ़ी ज़्यादा विभिन्नताएं कर दी, तो क्या बात है सामने आई कि एक प्राणी शास्त्रीय, एक प्राणी शास्त्रीय विभिन्नता सामने आई, ठीक है। और सभी प्राणी शास्त्रीय व्याख्याएं इस तर्क पर आधारित हैं कि मानवीय ढांचा कार्य को नियंत्रित करता है, व्यक्ति इसीलिए भिन्न व्यवहार करते हैं क्योंकि वे शारीरिक संरचना से एक दूसरे से भिन्न है। ये बात फ्रेंड्स इसकी 100% सत्य है और ये प्रूव कर सकता हूँ मैं, और अभी जिन लोगों ने इसको सुना है वो उनको भी समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। इन्होंने क्या बोला कि शारीरिक संरचना हर व्यक्ति की अलग होती है और वो उसको प्रेरित करती है और वो उसमें अंतर पैदा करती है कामों में, जिसके द्वारा पढ़िए मानवीय ढांचा कार्य को नियंत्रित करता है, जो मानव का जो ढांचा है, जैसे कि मेरा ढांचा है, आपका भी एक ढांचा होगा, वो क्या करेगा, हमको प्रेरित करता है, उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। ये बात कितनी सत्य है इसको हम समझते हैं, देखो मैं प्रूव कर दूंगा, 100% में प्रूव कर दूंगा, देखो कैसे करता हूँ। आप व्यक्ति एक बताइए, एक व्यक्ति का शरीर, उसकी हाइट है 5 फुट 10 इंच, उसका वजन है 110 किलो, आप बताइए वो कैसे कार्य करेगा, सोचिए थोड़ा सा, वो कौन से अपराध करेगा, वो क्या करेगा, उसकी पूरी दिनचर्या को देखिए, वो कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, क्या करता है, उसका पूरा रिजल्ट देखिए, अनुमान लगाइए उसके पूरे जिंदगी के बारे में, हिस्ट्री उसकी चेक करिए। अगर कोई व्यक्ति 110, 120 किलो का काफ़ी वजनी शरीर, काफ़ी मोटा व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, पड़ा रहेगा, सोता रहेगा, खाएगा, उसको खाने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, ये क्या उसके शारीरिक ढांचा उसको काम करवा रहा है फ्रेंड्स, वो करना बहुत कुछ चाहता है अपनी ज़िंदगी में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसका शरीर उसको साथ नहीं दे रहा है। दूसरा आप उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति है उसकी बहुत आकांक्षाएँ, बहुत कुछ अच्छा करना है, मतलब बहुत उसकी इच्छा है कि मैं WWF में जाऊँगा, बिल्कुल पतला दुबला रखा है, आपको लगता है वो कुछ कर पाएगा, उसका शरीर वो करने के लिए आज्ञा ही नहीं देता, आप बताइए ना। अब एक दूसरा व्यक्ति है, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है परंतु उसका शरीर उसको साथ नहीं दे रहा है, तो हमको जो करना है उसके लिए हमें अपना शरीर बनाना पड़ेगा, हमारा शरीर हमारे दिमाग से नहीं चलता फ्रेंड्स, समझने वाली बात क्या है कि हमारा दिमाग से हमारा शरीर चलता है परंतु हमारा शरीर भी दिमाग को ऑर्डर देता है एक प्रकार से, हमारा दिमाग हमारे शरीर से बोलेगा कि चल बेटा तू चल जा एवरेस्ट पर चढ़ जा, परंतु शरीर नहीं चढ़ सकता, क्या उसके दिमाग में नहीं आता होगा कि मैं कुछ अच्छा करूं, परंतु वो 110 किलो का इंसान नहीं कर सकता। तो ये वाली बात इसकी 100% सत्य है कि मानवीय ढांचा कार्य को नियंत्रित करता है। एक व्यक्ति है बिल्कुल 68 किलो का है, 69-70 kg का है और बढ़िया उसकी हाइट है लगभग 5 फुट 10 इंच 11 इंच और ज़बरदस्त उसकी रेसिंग है, ज़बरदस्त वो दौड़ सकता है, भाग सकता है, कमांडो बन सकता है, डिफेंस में जा सकता है और वो कोई भी कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो ये वाली बिल्कुल सही, मानवीय ढांचा कार्य को नियंत्रित करता है, व्यक्ति इसीलिए भिन्न व्यवहार करते हैं, इसीलिए व्यक्ति भिन्न व्यवहार करते हैं। आप अपने घर में देखिए, आप पढ़ने में भी देखिए, उठा के देखिए स्टूडेंट को, उठा के देखिए आप स्कूल में जाइए, आप चेक करिए कितने प्रकार के स्टूडेंट हैं जो शारीरिक रूप से फिट हैं उनका रिजल्ट देखिए, और एक बहुत ऐसे इंसान होते हैं जो शारीरिक रूप से फिट नहीं उनका रिजल्ट देखिए, आपको बहुत विभिन्नताएं दिखेंगे। एक्सेप्शन यहाँ भी मिल जाएगा, आपको ऐसे एक्सेप्शन मिल जाएंगे, कोई व्यक्ति है वो चल भी नहीं पाता, बैठा ही रहता है परंतु उसका पढ़ने का रिजल्ट बहुत अच्छा है, वजह क्या है वो वजह दूसरी, मतलब शरीर तुम्हें नियंत्रित तो करता है, आपका शरीर आपसे कह रहा है चल बहुत मेहनत करना है, ये करना है, और बगल से आलस आ रहा है, क्यों आ रहा है, हमने बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी की ही नहीं है तो आलस तो आएगा ना, इसीलिए क्या कहते हैं योग करो, सुबह 4 बजे उठो, बिल्कुल दिनचर्या बनाओ, 4 बजे उठो दौड़ने जाओ, क्या होगा शारीरिक रूप से फिट रहोगे, शरीर मांसपेशियां स्ट्रांग रहेंगी, वजन आपका नियंत्रित रहेगा, फिर आप अच्छा काम कर सकते हो, आप जो आपका दिमाग आपसे करवाएगा वो सारे काम आप कर सकते हो, उस तरह का अपना ढांचा तो बनाओ, अपनी बॉडी को तो बनाओ, आपकी बॉडी उस तरह की है ही नहीं है जो आप चाहते हो,
आपके जो ड्रीम है आप वो पूरा करना चाहते हो, परंतु आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती, तो आप क्या करोगे? आप नहीं कर सकते। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत देश के सिर्फ इसीलिए कि उनका शरीर साथ दे रहा है। जिस दिन शरीर ने साथ देना छोड़ दिया, वो प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? तो मानना पड़ेगा। ये वाली बात इनकी 100% सत्य है कि शरीर हमें नियंत्रित करता है, मानवीय ढांचा कार्य को नियंत्रित करता है। हमारा दिमाग पूरी कोशिश कर लेगा, परंतु हम वो काम कर ही नहीं सकते अगर हमारा शरीर साथ ना दे। इसलिए अपने शरीर को फिट करो। अगर आप चाहते हो कि आप सिविल जज बनो, आप IAS बनो, अगर आप अपने ड्रीम को सच करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो अपने शरीर को भी उस लायक बनाओ। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा। हमें नहीं मिल रहा मोटिवेशन। कहाँ से मिलेगा मोटिवेशन? आपका शरीर साथ ही नहीं देता। आप शिथिल पड़े हो फ्रेंड्स, बिल्कुल अचल हो गए। अचल एक वर्ड होता है, अचल। आप अचल हो गए हो, शिथिल हो गए हो। क्यों? क्योंकि आपका शरीर साथ ही नहीं दे रहा। बस खाते हो, पीते हो, उठते हो, जाते हो, बस इस 3-4 काम के अलावा आप कुछ करते ही नहीं हो। मेहनत आपने कभी की नहीं, आपके शरीर को मेहनत करना आती नहीं है, तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स? आप कभी भी अपने ड्रीम को सत्य नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ठीक है? व्यक्ति इसीलिए भिन्न व्यवहार करते हैं क्योंकि वे शारीरिक संरचना से एक दूसरे से भिन्न है। इसलिए सबके अलग अलग व्यवहार हैं। आप देखिए, जो 98% लगेगा उसका शारीरिक अलग है, उसका अलग संरचना है उसकी फ्रेंड्स। जो एवरेस्ट पर चढ़ता है उसकी अलग संरचना है, उसेन बोल्ट की अलग संरचना है। आपकी वो संरचना नहीं हो सकती। आप बोलोगे मैं उसेन बोल्ट को हरा दूं रेस में, उसकी अलग संरचना है फ्रेंड्स। उसेन बोल्ट उसने मेहनत करके बनाई है वो संरचना। और एक शायद तारक मेहता किसी ने देखा, उसके अंदर डॉक्टर हाथी जो एक्सपायर हो गया, उनकी अलग संरचना है। तो संरचना का बड़ा खेल है। आपको अपने ड्रीम को देखो। आपको जो ड्रीम आपका कम करना है फ्रेंड्स, आपको उसको पकड़ना है ड्रीम्स को, तो आपको उस तरह की संरचना बनानी पड़ेगी। फिर उसी तरह से आप मेहनत करोगे, फिर आपका वो ड्रीम सत्य हो जाएगा एक दिन, ठीक है? तो अपने शरीर पर काम करना स्टार्ट कीजिए। ये बात आज सिद्ध हो गई है, बोल्ड ने बोल दिया है, तो बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है, ठीक है? और देखिए क्या लिखा है फ्रेंड्स। प्रारूपवादी संप्रदाय के विभिन्न विद्वान विशेष लक्षणों में अलग अलग लक्षणों को अपराध का कारण मानते हैं। क्या बोला उन्होंने? विभिन्न विद्वान विशेष लक्षणों को अलग अलग विशेष लक्षणों में अलग अलग लक्षणों को विशेष लक्षणों में अलग अलग लक्षणों को अलग कारण मानते हैं, लक्षणों को अपराध का कारण मानते थे। इसीलिए यह समुदाय आगे चलकर 3 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये 3 संप्रदाय निम्नलिखित है। क्यों विभक्त हो गया? विभिन्न विद्वान आए, अलग अलग लक्षण, यानी कि ये देखो, विभिन्न विद्वान आए विशेष लक्षणों में अलग अलग लक्षणों को, विशेष लक्षणों में अलग अलग लक्षणों की उन्होंने बात की। मतलब अंतर आ गया, सीधी सीधी बात है, कंट्राडिक्ट होने लगी चीज़ें। तो उन्होंने कहा एक काम करो, सबको अलग अलग बांट दो, कुछ अलग कर दो, कुछ नीचे कर दो, कुछ ऊपर कर दो, जिस प्रकार की चीज़ें जिसमें हो उसका उस तरह का नाम दे दो। तो बिल्कुल इसको 3 भागों में बांट दिया। अब वो प्रारूपवादी संप्रदाय 3 भागों में बट गया। अब भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है इटालियन स्कूल जिसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है, इसके लगभग आप अगर इसको अच्छी तरह समझ गए तो आप अपराध को 50% समझ जाओगे। एक अपराधी को कि अपराधी कैसा होता है आप समझ जाओगे, कि अपराधी का शारीरिक रूप कैसा होता है, किस तरह के अपराध करता है, किस तरह का शरीर वाला कैसे अपराध करेगा। बिल्कुल ये बात भी सत्य है फ्रेंड्स। एक व्यक्ति बिल्कुल कमज़ोर है, चल भी नहीं पाता है, वो मर्डर नहीं कर सकता किसी का। बहुत कम देखने को मिलता है वो मर्डर करेगा। वो दौड़ भाग के किसी की जेब नहीं काट सकता फ्रेंड्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप समझ जाओ देख के कि हाँ यार इसने ऐसा अपराध नहीं किया होगा, ठीक है? इटालियन स्कूल। फिर आता है फ्रेंड्स मेंटल टेस्टर्स स्कूल। ये भी काफ़ी अच्छा स्कूल है, आप समझ जाओगे इसको पढ़ने के बाद, आप काफ़ी आपका डेवलप होने वाले हो फ्रेंड्स। बिल्कुल उत्सुकतावश इसको मेहनत के साथ लगन से पढ़िए, ठीक है? फिर आता है थर्ड नंबर पर साइकाइट्रिक स्कूल। ये भी बहुत ज़बरदस्त स्कूल है। तो ये लास्ट के जो स्कूल्स हैं हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक स्कूल और है फ्रेंड्स, और उसके बाद एक और, दो स्कूल और बचे हैं शेष। बस फिर पूरे स्कूल हमने पढ़ लिए हैं, फिर हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और फिर उसको ख़त्म करेंगे फ्रेंड्स। समझ गए होंगे आप टाइपोलॉजी के स्कूल्स। अब हम इसको उठाते हैं इटालियन स्कूल को, ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इटालियन स्कूल के साथ। जब तक आप क्या करिए फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और अपने जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए फ्रेंड्स, ठीक है? और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहता है और उसको लगता है कि कुछ सवाल है उसके, तो वो जाए डिस्क्रिप्शन में, आपको व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी और व्हाट्सएप की लिंक में आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।